राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल समस्या समाधान पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज का मेरा टॉपिक है घर में चुपचाप जलाएं ये चीज, रातों रात बन जाओ करोड़पति। दोस्तों, आपके बिगड़े हुए कामों, पैसों की कमी और वास्तु दोष को ठीक करने के लिए मैं आपको यहाँ इस वीडियो में कपूर का प्रयोग बता रहा हूँ, जिससे घर की समस्या को दूर करने के लिए आपको बहुत ही अच्छी मदद मिलेगी। दोस्तों, धनवान बनने के लिए यदि आपके पास धन की कमी हो या धन की समस्या से जूझ रहे हो तो आप कपूर का इस्तेमाल करें। रात के समय में चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। इस टोटके को कुछ दिनों तक रोज करें। यह उपाय आपको धन से मालामाल कर देगा, पैसों की कमी भी नहीं रहेगी। दोस्तों, दूसरा उपाय है किस्मत चमकाने के लिए आपको हजारों कोशिशों के बाद भी काम नहीं बनते तो ऐसे में कपूर आपकी किस्मत के ताले खोल सकता है। शनिवार के दिन कपूर के तेल की बूंदों को पानी में डालें और फिर इस पानी से रोज स्नान करें। यह टोटका आपकी बंद किस्मत को खोलता है और आपको बीमारियों से भी बचाता है। अगर दोस्तों आपके विवाह में देरी हो रही हो, आपका विवाह नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए भी कपूर बहुत ही फायदेमंद है। समय पर यदि आपका विवाह ना हो तो फिर विवाह रुकने की समस्या हो सकती है। यदि विवाह में किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आप 6 कपूर के टुकड़े लें और 36 लौंग के टुकड़े लें। अब इसमें चावल और हल्दी मिला लें। इसके पश्चात आप देवी दुर्गा को इससे आहुति दें। इस टोटके से शादी जल्दी होगी और आपकी शादी में जो भी परेशानी आ रही होंगी वो भी दूर होंगी। आपके दोस्तों कई काम इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि आपके पीछे वास्तु दोष होता है। वास्तु दोष को खत्म करने के लिए घर में कपूर की 2 गोलियां रखें और जब यह गल जाए तो फिर 2 गोलियां और रख दें। ऐसा आप समय समय पर करते रहें या बदलते रहें, इससे वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप घर में सुख शांति चाहते हो तो या आपके घर में परेशानी रहती हो तो आपको कपूर को घी में भिगोकर और सुबह और शाम को इसे जलाएं। इससे निकलने वाली ऊर्जा से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे घर में शांति बनी रहती है। यदि इंसान विश्वास से इन उपायों को करता है दोस्तों, तो उसे फायदा जरूर होता है। दुनिया समस्याओं से पहले ही घिरी हुई थी और आज भी ऐसा ही है, इसलिए प्राचीन ग्रंथों में इंसान की समस्याओं का निवारण करने के लिए मुनियों ने उनके लिए उपाय बताए हैं, जिनसे मानव का भला हो सकता है। समस्या समाधान दोस्तों आप तक हर ऐसी जानकारी पहुंचाता रहेगा जिससे आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कोई अच्छा सा टॉपिक। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।